जितने लड़के कहते हैं ना कि सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं हम दिल से दुआ देते हैं यार तू लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सच बताते हैं, जितने संघर्ष किया इस जीवन में उसको ये चीज हो जाता है, बहुत उसके अंदर मेहनत आता है पढ़ने के लिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है कभी आगे ही नहीं जा सकता, कभी आगे नहीं जाएगा जो संघर्ष नहीं किया। आपको लगता है खान सर यहाँ आ गए? भाई हम, आप कभी देखे होंगे ना, हम कुछ सारे गुरुद्वारा जो होता है ना, गुरुद्वारा उसमें जाके खाना खाए हम। सोचो गुरुद्वारा में जाके खाना खाए, वो भी नहीं था मेरे पास। गुरुद्वारा में वो लोग ना गरीब अमीर नहीं देखता है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, और वहां जाके वो लोग खाना खिला देते हैं। अनाथ आश्रम में जाके खाए, इसलिए आज भी अपना चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि का ये लड़कवा को पढ़ा रही है, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है, हा? एको भेजिए कहीं काम वाम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज्यादातर सऊदी चल जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था, फिर भी नहीं पढ़ा, कहती नहीं बहू तुम पढ़ो ही पढ़ो। आज तो मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का, और कहते हैं कि देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, आप गरीब घर के होंगे, मेहनती घर के होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, शायद घर से पैसे कम आते होंगे, लॉकडाउन में और कम आते होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू इससे। लॉकडाउन में यदि आपको तकलीफ बढ़ी है तो आप मेरी बात मानिए, आप खुश हो जाइए, बहुत ज्यादा खुश। रीजन समझिए, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है, घोड़ा को दर्द होता है, वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है, उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है, अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है, तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान वो कभी आगे नहीं जा सकता है, वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूरत की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, और जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे वहां पर, और फिर आप उन लोगों से, खैर आप माफ कर दीजिएगा, सबको माफ कर दीजिएगा, ये बहुत बड़ा अपने आप में बल है। सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल होता है, सबसे बड़ा बल, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बल होता है कि जब आप गुनाह न किए हो और आपको सजा दिया जा रहा हो और फिर आप उसे माफ कर दें, कोई आपसे बिना वजह खफा हो जाए और आप उसे माफ कर दें, ये भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बल है, ये सबके पास नहीं होता है। अगर ये बल आ गया ना तो फिर आप बहुत आगे जाए, इसलिए तकलीफ नहीं हो जाएगा बहुत।